हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए फिर हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का अगला पार्ट। सॉल्यूशन में जैसे कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है हमारा, जो चौथा टॉपिक है हमारे पास, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई और पी से भी डिनोट करा करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई और पी से भी डिनोट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट को देखना होगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोसिस क्या होता है वो चीज़, या फिर उससे पहले डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑस्मोसिस पे आएंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हम डिफ्यूज़न को एक बार, डिफ्यूज़न की बात करते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डिफ्यूज़न को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक पार्टीशन इसमें कर दिया है इसमें, और एक नॉर्मल सा मेम्ब्रेन लगा दिया है। एक नॉर्मल मेम्ब्रेन कहने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे जो ही हम नॉर्मल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसका मतलब है ये कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है। स्पेशल नहीं है इसका मतलब कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आर पार जाने देगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो है वो एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सा मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है। अब हमने क्या किया, ये पार्टीशन हो गया इस कंटेनर में। तो इधर एक तरफ क्या किया हमने, एक तरफ एक सॉल्यूशन ले लिया अलग कंसंट्रेशन का, और दूसरे तरफ अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लिया। कुछ इस तरीके का दो सॉल्यूशन लिया है हमने। मान लिया कि ये जो सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, ठीक ना। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है, और ये जो हमारा वो है लेस कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और इसका कंसंट्रेशन C2 है। जहाँ पे ये जो C1 है वो ज़्यादा है C2 से, ठीक है। तो चलिए, हमने कहा कंसंट्रेटेड, ये हमारा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट ए जो पार्ट है वो हमारा C1 कंसंट्रेशन है इसका, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारा जिसका कंसंट्रेशन C2 है। अब हमारे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड कहने का क्या मतलब, इसमें नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूट पार्टिकल कम है। तो चलिए, डिफ्यूज़न क्या होता है, तो अब डिफाइन करेंगे हम डिफ्यूज़न को, कि डिफ्यूज़न वैसी फेनोमेनन है जो खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, अपने आप होता है, स्वतः होता है। कैसे होता है, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है, मलिकूल का मूवमेंट जो होता है, उसका ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ करता है। अब सवाल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। बस हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न वैसी फेनोमेनन है, वैसी घटना है जो अपने आप हुआ करती है, और यह इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट है, सब्सटेंस का मूवमेंट है, वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड है मतलब सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक ना। लिख ही देते हैं इसको, इधर क्या है, इधर सॉल्यूट की मात्रा अधिक है
और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, ठीक है। इधर क्या है, इधर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होगा, जो जिधर ज़्यादा होगा कम की तरफ बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता, लिक्विड में भी हो सकता और गैस में भी हो सकता। तीनों फेजेज ऑफ ए स्टेट, तीनों फेजेज ऑफ जो मैटर होता है वो तीनों परफॉर्म करता है क्या चीज़, इस फेनोमेन को, डिफ्यूजन को, ठीक है। तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन कर लें, ठीक है, डिफाइन कर लें। इस डिफ्यूजन को लिखेंगे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, और ये सबस्टांस क्या हो सकता है, ये हमारा सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हुआ करता है और गैस भी हो सकता है। ये सबस्टांस हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, डैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक ना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन कहा करते हैं। जैसे आप लोग अक्सर फील करा करते हैं, जैसे कोई कहीं खुशबूदार खाना बन रहा है, आप दूसरे कमरे में भी होते हैं तो किचन से वहाँ उसका सुगंध आ जाता है, ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। मान लीजिए कि आप और भी एग्जांपल करें थोड़ा सा, कि आपने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया और इसके अंदर आप छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, KMnO4 का, तो ये क्या होता है, पूरा जो वाटर है हमारा वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये भी एक डिफ्यूजन का टाइप है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। चलिए, तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, और ये सबस्टांस सॉलिड भी हो सकता, लिक्विड भी हो सकता और गैस भी हो सकता, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन along concentration gradient is called diffusion, ठीक है। चलिए, तो इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें हम, अब इस एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। जैसे मानते हैं इधर क्या है, इधर सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है, तो क्या होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट किधर होगा, इधर, क्यों, इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, इधर कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ा, तो ये हमारा सॉल्यूट का मूवमेंट हो गया। इधर क्या मूव, सॉल्यूट इधर आया, ठीक है। यही हम बात करते हैं किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, सॉल्वेंट इधर जाएगा और सॉल्यूट क्या होगा, इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। इधर सॉल्यूट गया, इधर सॉल्वेंट गया, तो ये जो मूवमेंट है, किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ, और इधर भी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, इधर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, तो हायर टू लोअर है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस यहां ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो उसको मूव होने के लिए बाध्य करता है, क्या है वो, कंसंट्रेशन का अंतर है, ठीक ना, कंसंट्रेशन का वो यही ग्रेडियंट हुआ। तो चलिए हम समझते हैं वापस से एक बार जल्दी से, इसे कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। क्लियर हुआ बात, समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं ऑस्मोसिस पे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए छोटे छोटे टर्म को जानना जरूरी है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे, चलिए तेजी से इसको हम आगे बढ़ें, फिर से डायग्राम बनाना होगा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर,
वो है ऑस्मोसिस। वो क्या है हमारा? ऑस्मोसिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक्चुअली ऑस्मो वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है टू पुश, तो उतना हमको नहीं जानना, ठीक है। एक डायग्राम कंसीडर करते हैं ऑस्मोसिस को समझने के लिए। ऑस्मोसिस को समझने का एक डायग्राम, अब क्या किया, फिर एक कंटेनर लिया और इसके बीच में अब हम नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं डालते हैं, क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन देते हैं, जो ऐसा इसका प्रॉपर्टी होता है इस मेम्ब्रेन का कि सॉल्वेंट को तो पास होने देता है लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। सॉल्वेंट को अपने से होकर जाने देगा लेकिन सॉल्यूट को जाने नहीं देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में SPM, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब फिर ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। ये जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, अब की बार ये भी इसमें भी क्या है, मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, और इधर जो लिया वो लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मींस यदि देखा जाए तो इसका कंसंट्रेशन अभी यदि C1 है और इसका C2 है, तो यहाँ भी क्या है, C1 इज़ ग्रेटर देन C2। समझ सकते हैं बातों को आप? तो क्या होता है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो C1 है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट है और इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है। मींस इसमें क्या है, इसमें वाटर ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, फिर वापस से लिख लेते हैं। इधर क्या है, इधर सॉल्यूट की मात्रा क्या है, अधिक है, सॉल्वेंट वाटर ही मान लेते हैं तो कम है। इधर क्या है, इधर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ ये बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहले चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, नाम से ही स्पष्ट है, सेमी आधा परमिएबल, मतलब पूरा पूरा परमिएबल नहीं, इसका मतलब ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट को अपने से होकर जाने देता है लेकिन सॉल्यूट को जाने नहीं देता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ करता है, ठीक ना। तो लिखेंगे इसमें द मेम्ब्रेन विच अलाउ, द मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास, allow to pass solvent through themselves but prevent passage of सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड SPM, ठीक है। द मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट थ्रू देमसेल्व्स बट प्रिवेंट पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड SPM। एग्जाम्पल करें, जैसे परसमेंट पेपर है ना, नेचुरल की बात करें तो एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट्स का भी, एनिमल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड भी हो सकता है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCn का होल 6, ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, आर्टिफिशियल है ये, ठीक ना। अब जगह भी नहीं है तो रहने देते हैं, एटसेट्रा। तो ये सब हमारा क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, परसमेंट पेपर,
एनिमल मेम्ब्रेन और कॉपर फेरोसैन। एक बार और समझते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो वैसा मेम्ब्रेन जिससे होकर सॉल्वेंट तो पास कर सकता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक ना, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे पर्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन, ठीक ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सब हमारा क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये बहुत अच्छा काम करता है, आर्टिफिशियल वो करता है ये हमारा, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, अब ऑस्मोसिस पे आते हैं। इससे पहले हमने इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, मिटाएं इसको, ठीक है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जरा हम उसके बारे में बात करें। अब जरा इस डायग्राम में आके वापिस से देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूट तो पास होगा नहीं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सॉल्यूट नहीं पास करेगा और सॉल्वेंट पास करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट पास करेगा और सॉल्यूट पास नहीं करेगा। तो यहाँ से देखा जाए, इधर क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, इधर वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक ना। यदि हम आपसे पूछें इधर क्या हो जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है, ठीक है, इधर सॉल्वेंट जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन टू से सॉल्यूशन वन में क्या जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है। यदि हम आपसे पूछें क्या सॉल्यूशन वन से सॉल्यूशन टू की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, जाएगा, मीन्स दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा, सॉल्यूशन वन से टू में भी, टू से, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है, रिजल्टेंट मूवमेंट है, नेट मूवमेंट है, वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है, लेकिन नेट नेट देखा जाए तो सेकेंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। चलिए डिफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा यदि हम लगा दें द नेट मूवमेंट, तो ज़्यादा अच्छा होगा, द नेट मूवमेंट ज़्यादा बेहतर होगा, नेट लगा दे तो, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। ऐसा क्या है कि इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम जाने, ये जो ऑस्मोसिस है एक स्पेशल केस डिफ्यूजन का ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, तो इधर क्या है, इधर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री है, सॉल्वेंट में फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इधर फ्री एनर्जी कम है क्योंकि इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, इधर सॉल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट के का मॉलिक्यूल के पास फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तो अभी भी वही हो रहा है, सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अभी आ रहा है। तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप, स्पेशल अ केस ऑफ डिफ्यूज़न। तो ऑस्मोसिस हम समझ सकते हैं कि जिधर ज़्यादा सॉल्वेंट होगा,
कम की तरफ बढ़ेगा, किससे होके जाएगा, तो ये सेमी परमियबल मेम्ब्रेन से होकर पास करेगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसको डायग्राम बनाइए, नोट कीजिए, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, अब हम जल्दी से क्लास 12 में कभी कभी क्या करता है, वो पूछ लिया करता है, क्या पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, तो उसकी बात कर लें जल्दी से, चार पॉइंट उसका हम लिख लेते हैं ताकि जो 12 वाले स्टूडेंट हैं उसको भी हेल्प मिल जाए अच्छे तरीके से, फिर हम आगे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम डिफरेंस बिटवीन, आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चलिए एक तरफ क्या करेंगे, डिफ्यूजन लिखेंगे, एक तरफ डिफ्यूजन लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑस्मोसिस। चलिए इस तरह का बनाइए, अब बारी बारी से हम लिखेंगे यहाँ पे। तो डिफ्यूजन में क्या हुआ करता है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि अभी आपने देखा था कि डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करा करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन ऑस्मोसिस में आपने देखा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। यहाँ पे SPM या पूरा वो लिखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट यूज्ड। इधर क्या होता है, इधर SPM इज यूज्ड। ठीक है, फिर से हम बात करें तो जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है, तो डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इन ऑस्मोसिस ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफ्यूजन होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट होता है। और भी हम बात कर सकते हैं कि डिफ्यूजन को आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में आगे पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर लगा करके इसको रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डिफ्यूजन cannot stopped, और इधर लिखेंगे osmosis can be stopped, इसको रोका जा सकता है, इसको रोक नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चार हमने बेसिक डिफरेंस बताया डिफ्यूजन और osmosis में,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझने के बाद एक बार जल्दी से डिफ्यूज़न में, जैसा कि आपने डिफिनेशन को देखा था और ऑस्मोसिस को के डिफिनेशन में देखा था कि डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इसके पार्टिकल का। तो ये मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है क्योंकि हमने वहाँ पे क्या यूज़ कर लिया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए हो सकता है और ऑस्मोसिस किसके लिए होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए होता है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं और इसको हम रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए से नोट कीजिए इसको। मिटाएं इसको, मिटाएं क्या, आगे बढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे। नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वंस अगेन पाई और पी से इसको डिनोट करा करते हैं। चलिए एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं इस चीज को समझने के लिए। ये हमने इसमें पिस्टन लगा रखा है, इसमें पिस्टन लगा रखा है और इधर यूं ही खुला छोड़ दिया है, या यूं कहें वाटर आउटलेट बना दिया है। बीच में ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिया। अब ये पार्टीशंस हो गया, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये SPM है। अब क्या किया इसमें, ठीक उसी तरीके से इसमें हमने मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया। इधर इधर क्या किया, मोर सॉल्यूशन है, मींस क्या, सॉल्यूट की मात्रा अधिक और सॉल्वेंट का अमाउंट कम। अब इधर बात करें हम तो इधर क्या है, अच्छा यहां पे जो सॉल्वेंट हम कम लिख रहे हैं वो मेरा सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी से है, है ना, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट इंगेज्ड है, है ना, सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी कम है, उस सेंस में लिख रहे हैं। ये मत समझना कि हाँ ये सॉल्वेंट कम है सर, एक लीटर इसमें लिया तो इसमें आधा लीटर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वाटर को या कोई अन्य सॉल्वेंट लिक्विड तो इसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इंगेज्ड जो है वो ज़्यादा है, फ्री कम है, तो फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट कम है इधर, ठीक है। इधर है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूट क्या है, कम है, फ्री सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का फ्री ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो क्या होगा अब की बार, यहाँ पे वाटर किधर से किधर मूव करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इधर वो जो सॉल्वेंट है उसका फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी कम है, तो इससे होके तो सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है, तो जिधर ज़्यादा सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी है कम की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ेगा, है ना, ऐसे बढ़ेगा, सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ आएगा, है ना, इधर से इधर भी जाएगा लेकिन कम जाएगा,
नेट मूवमेंट किधर होगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना, ऐसा मूवमेंट हो रहा है। अब क्या किया हमने, यहां पे ये जो हमारा पिस्टन लगा हुआ है यहां पे, कि हमने यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर, इस पे ऐसे लिखें कि पी एक्सटर्नल अप्लाई करना शुरू किया। यहां पे लग रहा होगा इधर ऑस्मोटिक, है ना, इधर का जो प्रेशर है वो लग रहा होगा इधर। तो क्या किया हमने, इसको इधर से प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। तो एक ऐसा प्रेशर का पॉइंट आया जहां पे ये जो हमारा ऑस्मोसिस हो रहा है, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो ऑस्मोसिस क्या हुआ, रुक गया। इस ऑस्मोसिस को हमने क्या किया, नेट फ्लो को रोक दिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। जब जिस टाइम हम देखें प्रेशर का, वह मतलब वह प्रेशर जिस पे इस लिक्विड का इधर प्रेशर लग रहा है, और पी एक्सटर्नल हमने ऊपर से पुशअप करना शुरू किया इसको पिस्टन को, तो क्या हुआ कि यहाँ जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो क्या हुआ उस पॉइंट पे जाके ये रुक गया। तो जिस प्रेशर पे ये रुक जाएगा ऑस्मोसिस, उसी का नाम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको बनाइए और फिर हम डिफिनेशन को लिखते हैं, इधर इसी बात को लिखेंगे। डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, बना लिया, चल लिखते हैं। तो क्या कहा अभी कि उतना, कम से कम उतना प्रेशर जो क्या करे, ऑस्मोसिस को रोक दे। तो लिखेंगे द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which apply on the solution, the minimum external pressure which apply on the solution to prevent the osmosis, the minimum external pressure which apply on the solution to prevent the osmosis is called osmotic pressure. इसी को हम क्या बोलेंगे, osmotic pressure बोलेंगे, ठीक है। The minimum external pressure which apply on the solution to prevent osmosis is called osmotic pressure. ठीक है, लिखिए, लिख लिया। चलिए थोड़ा और इस बात को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, समझते हैं। अभी osmotic pressure क्या हुआ कि जो osmosis हो रहा था less concentrated से more concentrated solution की तरफ, जो water का या solvent का movement हो रहा था, हमने बाहर से pressure apply करके क्या किया, उस movement को रोक दिया। उसी को क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यदि इस ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई है हमारा वो पी एक्सटर्नल के बराबर है, ये जो पाई है वो क्या है, पी एक्सटर्नल के बराबर, पी एक्सटर्नल पाई के बराबर है, ठीक है। यहां पे तो यही हो रहा है कि ये और ये जो यहां पे पी एक्सटर्नल, यहां जो पाई है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये जो आपको पाई दिख रहा है यहाँ पे, वो और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है अभी। तो उस वक्त क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ओवरकम कर दें, किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब इसको और पुश करें, इस पिस्टन को और पुश करें, तो क्या होगा, ये तो रुक ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से वाटर निकल के इधर जाने लग जाएगा लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक ना।
मतलब उतना प्रेशर हम अप्लाई करें जो ऑस्मोसिस को रोकते हुए वाटर को फिर से अगेंस्ट द ऑस्मोसिस काम करने लग जाए, मतलब ऑस्मोसिस के रिवर्स में काम करने लग जाए, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ, ठीक ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, उस वक्त क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होने लग जाएगा, इसी घटना को क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज़ भी है, यूज़ क्या है, हम लोग डिसैलिनेशन करते हैं किसका, सी वाटर का, और उससे पीने लायक पानी, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर बना लेते हैं, किसको यूज़ करके, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक लिखते हैं, क्या चीज़, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ तो समझ में आ गया, आ ही गया होगा, चलिए इधर ही लिख देते हैं, हेडिंग देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। RO यहाँ पे यही अभी भी है, इधर लग रहा था पाई, इधर पी एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए अभी जरूरत नहीं है इसको फिगर बनाना, ठीक ना, हम वापस से बात करते हैं। चलिए तो क्या करने करेंगे इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, इस जो मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे वाटर निकल के लेस कंसनट्रेटेड तरफ बढ़ेगा, ठीक है। लिखेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर than that of osmotic pressure, then movement of solvent, bracket में water के लिए स्पेशली यूज करते हैं इसलिए water लिख देते हैं, movement of solvent from higher concentration, higher concentrated solution, to less concentrated solution. When external pressure is more than that of osmotic pressure, then movement of solvent from higher concentrated solution to less concentrated solution takes place such phenomenon is known as, kya cheez, reverse osmosis. इसी का नाम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मींस इस पे हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको तो जो ऑस्मोसिस को रोक देगा, और रोक करके फिर वापस से अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ये काम करेगा, और वाटर इधर हम कलेक्ट कर सकते हैं वाटर आउटलेट से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस वक्त क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में, क्या होगा कि जो पी एक्सटर्नल है उसका वैल्यू क्या होगा, पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या मिलेगा हमें, रिवर्स ऑस्मोसिस मिलेगा, ठीक है। तो इसे इसको नोट कीजिए, ठीक ना, मिटाएं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा यूज़ लिख लेते हैं, क्या यूज़ है। तो ये बस इतना सा यूज़ है कि हम प्योर वाटर बनाते हैं कहाँ से, सी वाटर से, 12 में कभी कभी ये डिफिनेशन पूछ लिया करता है कि व्हाट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस,
इसकी वजह से इसको भी हम साथ लेके चलते हैं। यूज क्या है, यूज ऑफ आरओ, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, टू ऑब्टेन प्योर वाटर, टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सेलाइन, दैट इज क्या चीज, सी वाटर और सी वाटर, टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सेलाइन वाटर, ठीक ना, ये यूज है। मीन्स क्या होता है, ये जो सी वाटर है ये यहाँ पे मान लीजिए सी वाटर है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, डीसेलिनेशन करते हैं, किससे करते हैं, बाय यूज ऑफ आरओ। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है, और इसको प्योर बनाते हैं, प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाय यहाँ पे केमिकल ट्रीट, क्लोरीनेशन वगैरह करके इस तरीके से हम वापस से प्योर वाटर बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया मिटाएं। चलिए अब टॉपिक हम देते लेते हैं, नया टॉपिक हमारा इसी में, वान ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसी में हेडिंग लिखिए, वांट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये थ्योरी क्या कहता है, वांट ऑफ थ्योरी क्या कहता है कि जो गैसियस इक्वेशन हमारा हुआ करता है पी वी इजिकल टू एन आर टी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। यदि जो पी वी इजिकल टू एन आर टी हमारा है उसके, ये जो हमारा पी वी इजिकल टू एन आर टी, ये तो आप जानते होंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये अभी गैस के लिए, किसके लिए है, गैस के लिए, ये हमारा जो इक्वेशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी हूबहू लागू हो जाता है, ठीक है। क्या, कब, जब इसको आप इस प्रेशर को, इस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या करें, चेंज कर दें, ठीक ना, इसको आप क्या करें, चेंज कर दें, तो इसके लिए भी लागू हो सकता है। बस यही हमारा है वान ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक ना, भांट ऑफ थ्योरी, भांट ऑफ जो थ्योरी है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सिंपल गैस का इक्वेशन लिक्विड में हम लागू करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, गैस इक्वेशन, ये जो हमारा है गैस इक्वेशन, कैन बी अप्लाइड, गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन इफ प्रेशर ऑफ गैस, गैस मीन्स पी इज रिप्लेस्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक ना, ऑफ द सॉल्यूशन लिख लिया। थ्योरी क्या कहता है कि ये जो गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो गैस के लिए तो है ही, और ये हमारे लिक्विड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी लागू हो सकता है, यदि आप गैस का जो प्रेशर है वो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक ना, मिटाते हैं इसको। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं गैस इक्वेशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। एक्सपेरिमेंटली, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, आगे बढ़ें, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये जो क्या पता चलता है हमें,
कि यहाँ पे जो पाई है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ करता है, कंसंट्रेशन के। यहाँ पे सी हमारा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है मीन्स नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर को क्या कह सकते हैं, मोलारिटी भी कह सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इसको इसके ना स्ट्रेंथ भी नाम इसका दे देता है, ठीक ना। तो ये कभी वो मोलारिटी दे दे, स्ट्रेंथ दे दे, कंसंट्रेशन दे, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यदि कॉन्स्टेंट है तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब दोनों को मिला दें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, उसको हम आर भी बोलते हैं, ये आर हमारा, तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसको गैस कांस्टेंट भी कहा करते हैं हम, बराबर ही होता दोनों का वैल्यू। यहाँ और आगे बढ़ें तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी आर टी। ज़रा इसको और गौर से देखें तो क्या दिखता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, यही आ गया। मीन्स ये गैस लॉ को वापस से जो सॉल्यूशन है वो फॉलो कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से इधर की तरफ कर लेते हैं, यहीं से आते हैं वापस से। तो पाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, यहाँ से यहीं से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू जी बाई एम डब्ल्यू, वेटिंग ग्राम बटे मॉलिकुलर एटॉमिक वेट जो भी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू जी बाई एम डब्ल्यू इंटू वी एम डब्ल्यू इंटू आर टी बाई वी। तो ये भी फार्मूला हमारा हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे हुएर लिटरल मीनिंग क्या है सबका हम बात करें, हुएर पाई तो आप जानते ही हैं क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इजी टॉपिक है, आप समझ में आ जाएगा एक बार में। एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये है। यहाँ पे टी जो है, अच्छा ये जो प्रेशर हो वो किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक में, ये मोल में, ठीक ना। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस में, एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। टी हमारा टेम्परेचर है, टी यहाँ पे टेम्परेचर किस में लेना है हमको, केल्विन में, ये केल्विन में लेना है। वॉल्यूम वी की बात करें तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये किस में लेना है आपको, लीटर में लेना है, ठीक है। और ये आर जो है, आर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, जो किसके बराबर होता है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और जिसका वैल्यू क्या हुआ करता है, वैल्यू हुआ करता है 0.08821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आर का वैल्यू है 0.08821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हमारा मोल है पर मोल, ठीक ना, पर मोल, ये आर का वैल्यू है। और लिखना चाहें तो ये डब्ल्यू जी की बात कर लेते हैं, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। एम डब्ल्यू की बात करें तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए थोड़ा सा फार्मूला आया, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ें। लिख लिया, इसको मिटाते हैं। एक दो पॉइंट हम इसमें लिखना चाह रहे हैं, और
निष्पात करते हैं। जैसे कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन हुआ, पॉलीमर हुआ, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, तो उसमें सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा हुआ करता है, वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट में से स्टार हम देते हैं, आप समझ जाएंगे नोट है ये हमारा। टू फाइंड द मोलर या मॉलिक्यूलर लिखते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल डेट इज, है ना, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल लिख देते हैं, डेट इज छोड़ते हैं, प्रोटीन, पॉलीमर एटसेट्रा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन वगैरह का जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड को ही यूज करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह के होंगे। पहला हमारा है आइसोटोनिक, ये तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन अक्सर आया करता है एग्जाम में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक में क्या हुआ, जिसका कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन यदि है, दोनों का यदि कंसंट्रेशन बराबर है, या यूं कहें कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो उसको कहेंगे क्या चीज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर वाले मिटाए, ठीक है मिटाते हो क्या, चलिए मिटा दे इसको। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप हेडिंग देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला हमने क्या लिखा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हमारा, तो प्राइमरी कंडीशन की बात करते हैं। प्राइमरी कंडीशन ये है कि दो सॉल्यूशन का, मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन एक है हमारा, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, और ये जो है वो सेकेंड सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन हमने लिया है, तो दोनों का क्या होना बराबर होना चाहिए, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई वन, इसके लिए इसका पाई टू, तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का और दूसरे का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमारा ये बेसिक क्राइटेरिया है प्राइमरी कंडीशन के लिए। यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होगा हमारा, एट, ये प्राइमरी कंडीशन है ना, इसको ध्यान रखना आप, एट कांस्टेंट टेम्प या सेम टेम्परेचर, दोनों के लिए यदि हम टेम्परेचर को हमने सेम कर दिया, सेम टेम्परेचर, टी कांस्टेंट हो गया, तो पाई इज इक्वल टू क्या लिखा, सी आर टी, सी वन आर और टी कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके लिए, नेक्स्ट के लिए सी टू आर टी टी, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें, सी वन इज इक्वल टू सी टू। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी कंडीशन, ये सेकेंडरी कंडीशन हुआ करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो सी क्या होता है, एन वन बाई वी वन,
इज इक्वल टू एन टू बाय वी टू लिख सकते हैं इसको सी के बदले एन बाय वी। हमारा ये मोलरिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, ठीक ना। तो ये सब वर्ड याद रखना, कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेंथ पूछ देता है, कभी मोलरिटी पूछ देगा, कभी कंसंट्रेशन, तो आप समझना एन बाय वी है सब। और जैसा कि जानते हैं मोल क्या है, ये मोल हमारा, ठीक ना, मोल डब्ल्यू जी बाई एम डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जी वन बाई एम डब्ल्यू वन इन टू वी वन इज इक्वल टू, फिर से लिख सकते हैं डब्ल्यू जी टू बाई एम डब्ल्यू टू इन टू वी टू। तो इससे भी क्वेश्चंस, यहाँ भी क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको फिर वापस। सिंपल सा है, ठीक ना, कि यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो प्राइमरी कंडीशन हो गया, किसके लिए, आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन के लिए। यदि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो ये हमारा सेकेंडरी कंडीशन हुआ करता है आइसोटोनिक होने के लिए। अब हम आते हैं दूसरा पे, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट बात करें हम, दूसरा जो हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पाई वन यदि ज्यादा है किससे, पाई टू से, यदि इसका पाई वन ज्यादा है किससे, पाई टू से, जिसका पाई वन ज्यादा होगा मींस इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इधर इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कंपेरेटिव वर्ड है एक दूसरे के तुलना में, और ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये एग है, ये एग है, इसको इसमें हम रख दिया, तो क्या होगा एग का, है ना, इसमें जानते हैं ना आप एग्जो ऑस्मोसिस हुआ करता है, क्या हुआ करता है, एग्जो ऑस्मोसिस। तो क्या होता है एग्जो ऑस्मोसिस में, पहले तो क्या होता है कि हाइपरटोनिक में आप कोई सॉल्यूशन में डाल रहे हैं मीन्स इस एक के कम, एक का जो साइटोप्लाज्म है अंदर में, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में ये हाइपरटोनिक है, तो क्या होगा एग्जो ऑस्मोसिस होगा। एग्जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर बाहर निकलना, मतलब यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस के जरिए वाटर बाहर निकल रहा है, उसी को बोलते हैं एग्जो ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है ये पे, है ना, ये हो रहा है एग्जो ऑस्मोसिस, एग्जोस्मोसिस। तो यहाँ पे श्रिंकेज, इसका जो लास्ट वाला जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू एग्जोस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो आप पढ़ते हैं ना प्लाज्मोलाइसिस वगैरह, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या होगा, श्रिंकेज हो गया। तो यहाँ जो है ड्यू टू एग्जोस्मोसिस, यही क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। जैसे कि और आप आगे पढ़ते हैं क्या चीज़, कि एनिमल सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दो तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, ये एग्जोस्मोसिस होगा, ये श्रिंक कर जाएगा। यदि आप क्या करें, यहाँ पे इसके बदले आप हाइपोटोनिक ले लीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लीजिए, और उसको क्या करिए, यदि ये एनिमल सेल है और उसको क्या करिए, आप डाल दीजिए किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसके कंपेयर में हाइपोटोनिक है, ये सेल के कंपेयर में, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में यदि ये एक्सटर्नल हमारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो क्या होगा, इसके अंदर इंडो ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पे क्या फेनोमेन हो रहा है, यहाँ फेनोमेन हो रहा है इंडो ऑस्मोसिस, वहाँ एग्जो ऑस्मोसिस हो रहा था, यहाँ इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, मीन्स एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड इंडो ऑस्मोसिस, यहाँ इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। और ये क्या होगा, सेल स्वेल अप करेगा पहले,
फिर और इंडोस्मोसिस होगा तो क्या सेल ब्रस्ट कर जाएगा, लेकिन हम प्लांट सेल को ले लें यहीं तो क्या होगा, सेल विल नॉट ब्रस्ट। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है जिसकी वजह से ये ब्रस्ट नहीं करता है, सिर्फ स्वेलअप होगा, लेकिन एनिमल सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। तो चलिए यहीं इतना ही तक कंसेप्ट था, अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। जल्दी से इसको समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन, एक आप कर लेना। पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई में, जो क्वेश्चन दे रहे हो जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ए, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर, मोलर मास यहाँ दिया हुआ है, मोलर मास इसका 342 दे रखा है ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विथ 1%, आइसोटोनिक विथ 1% ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन, ऑफ अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल इज क्या होगा, ग्राम पर मोल इज ठीक है क्या होगा। तो चलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व करें। देखिए दो सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ, एक सॉल्यूशन तो हमारा केन सुगर का है, मीन C12H22O11 का है, ठीक है, जिसका मॉलिकुलर मास उसने दे रखा है 342, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे भी आएगा 342 ही आएगा। दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा, ये अननोन मान लेते हैं X है, ठीक है, और इसका हमें मॉलिकुलर मास नहीं पता है, यही पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक ना। तो चलिए यदि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक, और ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आपस में आइसोटोनिक है, तो हमने बताया था प्राइमरी कंडीशन क्या होता है, दोनों का पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, मीन्स दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, आपस में बराबर है। सेकेंडरी कंडीशन बताया था कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम कंसंट्रेशन से बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन हमारा क्या है, आइसोटोनिक है, तो सी इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या आपस में बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 वाला सॉल्यूशन और CX दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तो N by V, N1 by V1 इसको 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, N2 by V2, ठीक है। अभी क्या था थोड़ा देर पहले, इसको क्या किया था, WG by MW into 1 by V1 इज इक्वल टू W2 by MW into 1 by V2, ये फार्मूला भी लिखा भी था उधर, है ना। चलिए इसको और आगे ले जाएं, WG कितना है, 5%, यहाँ देखिए 5% है, तो 5 बट्टे 100, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिकुलर में 342 इंटू 1 बट्टे 100, 5% का मतलब क्या हो, 5 आउट ऑफ 100, ये 100 ml में है, तो ml की जगह क्या ले सकते हैं आप, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 100 ml है तो इसको लीटर में तो 0.1 लीटर, ठीक है, तो 0.1, यहाँ पे 0.1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो ml है 100 ml उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू कितना, 1% है, तो 1 बटे x का नहीं मालूम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इंटू 0. फिर से 1, ठीक है, तो ये 0.1 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से mx इज इक्वल टू क्या करेंगे, 342 बाई 5 मीन 68.4, ये आंसर हो गया ग्राम पर मोल। आंसर हमारा क्या निकल गया, 68.4 ग्राम पर मोल, ठीक ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, हम दोनों के कंसंट्रेशन को बराबर कर देंगे, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात होगी तो उसको भी बराबर कर देंगे,
फिर वहाँ से हम सिंपल फार्मूला भी समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन तुरंत कर लेते हैं उसको भी जल्दी से। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m बाई 20। क्वेश्चन गया है फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m बाई 20। मोलरिटी दे रखा, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का सॉल्यूशन है और r का वैल्यू उसने दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल उसने दे रखा है, ठीक है। यूरिया यहाँ पे लिखा है और एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया और r का वैल्यू उसने भी दिया उसने, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m बाई 20। तो चलिए यहाँ कंसंट्रेशन हमने कहा था, मोलरिटी भी देगा तो कंसंट्रेशन होगा, स्ट्रेंथ भी देगा तो कंसंट्रेशन होगा, ध्यान रखना मेरे बातों को। तो 1 बाई 20 दिया हुआ है, 0.05, ठीक है। और क्या दिया उसने, टेम्परेचर दिया कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम यदि कैल्विन में बदलें तो क्या करेंगे, 273 प्लस 27 300 कैल्विन, और आर का वैल्यू उसने दे रखा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर कैल्विन पर मोल, ठीक है। इतना कुछ दिया उसने, हमारे पास पाई पूछ रहा है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो सी कितना है 0.05, आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 300, ठीक ना, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो वैल्यू कितना आएगा, वो वैल्यू आएगा 1.23 के आसपास, 1.23 के आसपास आएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू है, इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो सब वैसा सॉल्यूट ले रहे थे, यूरिया ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे, फ्रुक्टोज ले रहे थे, केन शुगर ले रहे थे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पानी में जाने पर टूटता नहीं है। अब हम लोग जो सॉल्यूट लेंगे, अब आज के बाद ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा ख़त्म हो गया, तो अब हम ऐसा सॉल्यूट लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक हो, मीन्स टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा नहीं रहेगा जैसा हम सोच रहे पा रहे हैं, तो हमारा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वैसे सॉल्यूट के लिए जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, मींस वाटर, जैसे NaCl क्या होगा, पानी में जाने पे क्या होगा, Na+ और Cl, एक मोल हमने NaCl लिया तो क्या होगा, दो मोल हमें मिल जाएंगे पार्टिकल्स, दो मोल आयंस मिल जाएंगे। तो वैसे सॉल्यूशन के लिए जो हमारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो इसी बात को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।